हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर 3 अक्टूबर को थम गया था। 5 अक्टूबर यहां वोटिंग हुई और वोटिंग के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपना दमखम दिखाया था। तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं ने आखिरी दिन जमकर प्रचार किया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में कमान संभाली थी और प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने झज्जर जिले के मातनहेल और भिवानी जिले के तोशाम विधानसभा में रोड शो और चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि अपार जन समर्थन को देखकर लग रहा है कि हरियाणा में राष्ट्रवाद की लहर है। सीएम मोहन यादव ने हरियाणा चुनाव में दिखाया दम। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में रहे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। क्या हरियाणा चुनाव में चलेगा मोहन यादव का जादू? यादव फैक्टर को साधने की कोशिश होगी कितनी सफल? हरियाणा चुनाव में कारगर होगा बीजेपी का मोहन दाम। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर 3 अक्टूबर को थम गया था। 5 अक्टूबर यहां वोटिंग हुई और वोटिंग के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपना दमखम दिखाया था। तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं ने आखिरी दिन जमकर प्रचार किया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में कमान संभाली थी और प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने झज्जर जिले के मातनहेल और भिवानी जिले के तोशाम विधानसभा में रोड शो और चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि अपार जन समर्थन को देखकर लग रहा है कि हरियाणा में राष्ट्रवाद की लहर है। हरियाणा में जिन सीटों पर मोहन यादव ने प्रचार किया उन सभी सीटों पर यादव मतदाता ज्यादा है। इन सभी सीटों पर यादव मतदाता प्रत्याशी की जीत हार के निर्णय में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सीएम मोहन यादव ने चरखी, दादरी, भिवानी और भवानी खेड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 चरखी, दादरी और भिवानी में यादव समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है। यही कारण है कि यादव फैक्टर के चलते पार्टी ने मोहन यादव को चुनाव प्रचार में उतारा था। इस बात की पूरी संभावना लग रही, जिस प्रकार से माहौल चला है, भाजपा में माहौल बना है, पूरा हरियाणा में, जहां झज्जर जिले में आया हूं, यहां तो ऐतिहासिक रूप से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। हरियाणा में आप अनेक जगह पे जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? मैंने बताया ना, भाजपा का वातावरण यहां के जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। 2 बार से सरकार बन रही, लेकिन तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही। राहुल गांधी आज रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस। राहुल 2 बार से फेल हो रहा है, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से फेल हो रहा है। हरियाणा के जिस क्षेत्रों में मोहन यादव को प्रचार की जिम्मेदारी मिली थी वो विशेष क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। ये इलाका यादव समुदाय के बीच मजबूत संबंध और आपसी सहयोग के लिए जाना जाता है। एनसीआर के इलाके में बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, खासकर यादव बहुल इलाकों में। यही वजह है कि बीजेपी ने मोहन यादव को इन क्षेत्रों में प्रचार की कमान सौंपी। पर सवाल अब यही है कि क्या भाजपा को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सीएम मोहन यादव का जलवा कुछ महीने पहले ही खत्म हुए लोकसभा चुनाव में नहीं चला था। पिछले साल जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की थी और उसके बाद मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब इस फैसले को रणनीतिकार कुछ ही महीनों में शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी के यादव वोट बैंक को साधने के लिहाज से देख रहे थे। मगर सीएम मोहन का यूपी में जादू फीका पड़ गया। सीएम मोहन ने इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, तंगबी नगर, बलिया, कुशीनगर, संबल, बदायूं, गाजीपुर और महाराजगंज सीट पर चुनावी सभाएं की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो चित्र ही अलग थे। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में भाजपा के हिस्से केवल 33 सीटें ही आई थी। फैजाबाद जैसी बहुचर्चित सीट जो राम मंदिर बनाने के बाद भी भाजपा हार गई। बहरहाल देखना होगा कि यूपी लोकसभा चुनाव की तरह सीएम मोहन का जादू फीका पड़ता है या फिर हरियाणा में सीएम जलवा बिखेरते हैं।